नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र बदौलिया और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल एसआर अशोकनगर। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में लॉकडाउन 2 का मामला ख़त्म हो चुका है और आज 4 तारीख के बाद में कई सारी जो है सहूलियतें और दूसरी चीज़ें दी गई हैं। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि वो घरों में रहें और घरों से कम निकलने का प्रयास किए। बहुत सारे लोगों ने इसका पालन भी किया, कुछ लोगों ने ज़रूरी कामों से बाहर निकल के अपने काम भी निपटाए और इन सब के बीच में उन सब लोगों को बड़ा सम्मान मिल रहा है जिन्होंने फ्रंट लाइन पर आकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मगर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका सामने आना बहुत ज़रूरी था और उन्हीं में से एक व्यक्ति को हम आपके सामने लेके आए हैं। सचिन जैन हैं, अशोकनगर की चौधरी कॉलोनी में खड़े हैं। ये मकान आप देख सकते हैं, यहाँ आने का उद्देश्य आपको बताएंगे और उनसे भी मिलवाएंगे। दरअसल ये वो आदर्श लोग हैं जो किसी भी व्यवस्था के लिए सबसे बेहतरीन या सबसे उपयुक्त लोग हो सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने एक अपील की थी कि आप घरों में रहिए और आप घरों में रहिए तो कोरोना से सबसे ज़्यादा आपकी बचाव हो सकता है। ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये दरवाज़ा देख रहे हैं, ये दरवाज़ा बीते 40 दिन से नहीं खुला। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ने अपील की थी उस दिन से ये बंद है। सचिन उस साइड खड़े हैं, हम थोड़ा सा कैमरामैन को आगे लाएंगे। पहली बार आज 4 तारीख के बाद में ये दरवाज़ा खुलने वाला। हम सचिन से अनुरोध करेंगे कि इसका गेट का अगर ताला खोलना चाहें तो वो खोल सकते हैं। तो ये 40 दिन बाद पहला ताला खुला है और आप इसके बाहर अंदर जो देख रहे हैं ये हैं सचिन जी। ये सचिन जैन साहब हैं, इस मकान में रहती हैं, ये हमारे मित्र भी हैं और इनके बारे में ये बताया गया है, दावा भी किया है, खुद भी बताएंगे सारी चीज़ें हमको, कि ये वो पहले शख्स हैं जो हमको मिले हैं जो लगातार 40 दिन से अपने घर में हैं, वो घर से बाहर नहीं निकले हैं। तो तमाम सारे लोग जिनको सम्मान मिल रहा है, जिन लोगों को काम किया है, ऐसे में इनके काम का भी सामने आना ज़रूरी था। हम इनसे बातचीत भी करेंगे, इनसे मिलेंगे भी और ये 40 दिन उन्होंने कैसे काटे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सचिन जी, क्या हम चल सकते हैं आपके साथ ऊपर? तो हम बैठे हैं सचिन जी के घर पे और हमारी नॉलेज में ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 40 दिन के लॉकडाउन का 100% पालन किया। यानी मोदी ने जो कहा था कि मैं 40 दिन तक अगर आप घर में रहेंगे तो कोरोना से लड़ सकते हैं, तो इन्होंने ये संकल्प लिया था कि इतने दिन घर से नहीं निकलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस दौर में कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति होगा, अगर हो तो ज़रूर आप बताइए, कि जो लगातार अपने घर में बंद रहा हो और 40 दिन तक एक ही घर में रहा हो। तो सचिन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि इसके पीछे सोच क्या थी आपकी? सर, सोच यही थी कि मोदी जी ने बोला था कि सबको अपने अपने घरों पर रहना है, हमने उस बात का पालन किया जी। तो क्या सोच क्या थी इसके पहले, मतलब क्या सोच यही थी कि ये बीमारी काफी जटिल बीमारी है, एक दूसरे के संपर्क में आने से लग रही है, तो इसका बचाव सिर्फ घर में रह के ही हो सकता है। ये चीज आप मान गए थे और आप समझ रहे थे कि इसके अलावा कुछ है? जिस दिन उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, ये मैं पहले ही मान गया था कि ये जटिल बीमारी है। तो इन 40 दिनों में कितने लोग थे आप और कितने लोग रहे घर में आपके साथ में? जी, हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी मिसेज और बच्चा, हम 40 दिन तक घर में ही रहे। तो बीच एक भी बार ऐसी नहीं हुआ, कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, सब चीजें मिल रही थी, फल मिल रहे थे, सब्जियां मिल रही थी। एक हमने बैग में रस्सी बांध रखी थी जिससे कि हमको नीचे लटका देते थे, उसी में पैसे रख देते थे और वो सब सामान ऊपर जाता था। उसके अलावा अगर राशन की जरूरत पड़ रही थी तो या दूसरी चीज हो रही थी वो भी, लेकिन बैग से ही ऊपर आ रहा था। तो जो सामान भी बैग से आ रहा था उसके लिए भी कोई एहतियात बरत रहे थे आप? उसमें हम उसको रखते थे, जो सब्जी आती थी उसको एक बकेट में रखते थे, उसमें पानी गर्म करते थे पानी वाली रॉड से, फिर उसमें नमक डाल के उसको उबाला जाता था। मतलब पूरा एहतियात बरता है। और इसके बाद भी आप घर में मास्क भी लगाए हुए थे? घर में भी मास्क लगाए थे, हम सब अलग अलग ही रह रहे थे, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग से रह रहे थे। बच्चा हमारा इस रूम में रहता था जी। मैं काफी समय इस रूम में निकालता था, मैडम हमारी किचन में रहती थी। इसके अलावा एक और चीज बताइए कि 40 दिन बहुत होते हैं एक घर में रहना, तो बीच में कभी ऐसा कोपते या बाहर निकलने की इच्छा नहीं हुई क्या? नहीं, कुछ नहीं, शाम को हम लोग छत पे चले जाते थे, बाकी दिन भर हम घर में ही रहते थे। तो आपका मोहल्ला जो पड़ोस के लोग थे उनको ये बात पता चल गया था कि आप घर से नहीं निकल रहे? हाँ, सबको पता था, काफी लोगों ने मेरे से ये भी कहा कि इतना आप डरिए मत, निकलिए, ये बीमारी उनको ज्यादा जल्दी लग जाएगी। उन्होंने कटाक्ष किया मेरे ऊपर कि जो घर में ज्यादा रह रहे हैं उन्हें ज्यादा जल्दी पकड़ रही, लेकिन मैंने किसी की परवाह ना करते हुए पूरा संपूर्ण टाइम अपने घर में ही निकाला। मतलब आपके इस काम को भी लोग जो है उलाहना दे रहे थे, ताना कस रहे थे? काफी लोगों ने मेरे से बोला कि आप कब तक घर में रहेंगे, नीचे जाइए, लेकिन मैंने उनकी नहीं। अच्छा, आपके जो काम धंधे थे, जिस तरह का आप व्यापार कर रहे थे, वो फिर इस दौर में कैसे चला? मैंने अपनी शॉप कंप्लीटली बंद कर रखी थी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी बंद कर रखी थी। कई लोग मेरे से सामान मांगने आए, लेकिन मैंने दुकान खोल के सामान नहीं दिया। अच्छा, इसके अलावा और जो पानी की या दूसरी जरूरत है या कोई घर में मिलने के लिए आया हो तो उसके साथ फिर? काफी लोग आए जी, मेरे भाई भी आए, लेकिन सबसे नीचे सही बात हुई,
किसी को ऊपर नहीं, किसी को नहीं। तो मतलब हम लोग पहले आदमी है 40 दिन में, आप 40 दिन में जो हमारे घर में आए। तो जी काम वाली बाई को भी नहीं बुलाया, पूरा काम हम लोगों ने घर पे अपने आप से। कितना बड़ा एरिया है, मतलब पूरा 12 स्क्वायर फीट का एरिया है, इसी में पूरा 40 दिन निकाला है आपने। तो लोगों को बड़ा तकलीफ होती है, झुंझलाहट होती है और परेशानी होती है, आपके साथ ऐसी कोई चीज नहीं? ऐसी कोई चीज नहीं हुई, काफी अच्छे समय निकला। सब आप मीडिया वाले सब सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, बाहर की सारी गतिविधियां हमें जानकारी में आ रही थी जी, हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छे से टाइम निकला। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें बेसिक ये है कि सिर्फ मोदी जी के आह्वान पर मन में ये दृढ़ किया था या डर भी था, जो है दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा थी आपके बीच? सर्वप्रथम तो मोदी जी के आह्वान पर किया जी, और जो न्यूज चैनलों के द्वारा ये देखा कि बीमारी गंभीर है, उसका बचाव यही है, उस कारण भी हमने ये निर्णय लिया हम घर पर ही रहे। तो इस दौर में आपके घर कोई मिलने आया हो? मिलने हमारे एक सज्जन आए थे जी, उनको हमारा ये हमने अभी नया बनाया मकान जी, उनको इस घर का पेंट्स देखना था, तो हमने उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, वो फैमिली समेत नीचे आए थे कि हम ताला नहीं खोल पाएंगे। आपने उनसे मना कर दिया? मैंने कर दिया था, उन्हें थोड़ा बुरा भी लगा, मैंने कहा मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ जी, मैं ताला नहीं खोल पाऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी रोजमर्रा की जरूरतें होंगी, जैसे आपकी कटिंग दिख रही है, तो इसके लिए फिर ये कटिंग मैंने घर पे की है जी मशीन से, वो मैंने मेरे बच्चे की कटिंग घर पे की है। ये भी घर पे की? यही घर पे। अच्छा 40 दिन बड़े लंबा समय होता है, तो रूटीन किस तरह का रहा आपका? सर सुबह से थोड़ा काम मैंने कहा जाता था जी, उसके बाद थोड़ी टीवी देखना जी, थोड़ी फेसबुक चलाना और उसके बाद थोड़ा खाना के बाद आराम करना, शाम को छत पे बच्चे के साथ पतंग उड़ाना, उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो पूरा शेड्यूल बना रखा था? पूरा शेड्यूल बना रखा था। बीच बीच में कहीं जाने की इच्छा या किसी से मिलने की? कोई इच्छा नहीं। अच्छा आपके अलावा आपकी धर्मपत्नी भी आपके साथ में थी, तो आपके इस निर्णय में वो कितने साथ में थी? उन्होंने पूरा बकायदा साथ दिया मेरा जी, और सबसे बात बड़ी बात तो ये है कि मेरा 5 साल का बच्चा है जी, उसने भी हमें काफी कोऑपरेट किया, बिल्कुल नीचे जाने की जिद नहीं की, और वो अगर हम उसके पास टीवी देखने जाते थे तो वो कहता था पापा सोशल डिस्टेंसिंग। 5 साल का बच्चा? 5 साल का बच्चा, वो बार बार कहता था पापा सोशल डिस्टेंसिंग। तो हम उनसे भी अगर वो आ जाओ जीवन में, संभवतः ऐसा पहला मौका होगा कि कभी और भी रहा ऐसा? नहीं ये तो पहला ही मौका है, बहुत ज्यादा परेशानियां, लेकिन इस महामारी से बचने के लिए ना जी घर पे ही रहना ठीक था, इसलिए हम लोगों ने मिल बांट के काम किया, और थोड़ी परेशानी भी रही बाइक के नहीं आने से, लेकिन हमने एक दूसरे को कोऑपरेट किया। अच्छा जब इन्होंने ये पहले दिन आपने तय किया था कि हम घर से नहीं निकलेंगे, तो शुरू शुरू में थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी या आपने स्वीकार कर लिया था कि नहीं आपके? शुरू शुरू में काफी तकलीफ हुई, लेकिन इस महामारी से बचने के लिए उपाय यही था जी, मोदी जी ने बोला कि घर पर ही रहकर हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा आपने ये सब चीजें जब की घर में रहे, तो अपने दोस्तों को परिवार के रिश्तेदारों को बताया, तो उनका किस तरह की प्रतिक्रिया थी आपको? सबकी अपनी अपनी सोच रहती है, जी। कोई ज्यादा साफ सफाई वाला रहता है, कोई इस चीज को मतलब ज्यादा उसको गंभीर नहीं लेता, और कोई बहुत ज्यादा सोचता है कि हाँ ये बीमारी इन्फेक्शन है, बहुत से लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस वो तो उधर ही बाहर ही है, अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बहुत से लोग हाइजीनिक रहते हैं। तो आप जिनके संपर्क में थे उनको भी बता रही थी कि आप मतलब घर पे रहिए? रिश्तेदारों को, वैसे तो सब आजकल पढ़े लिखे होते हैं, सबको इतना मालूम रहता है जी। नहीं पर इसके बाद भी आप दोनों चूंकि घर में थे, तो क्या और लोगों को भी आप इस बात के लिए कह रहे थे? सबको बताया, हमने हमारे पापा जी को ही बोला था जी, और माता जी को ही बोला कि आप लोग बिल्कुल ना निकलें, उन्होंने भी हमारी बात मानी, वो भी घर पर ही रहे, और जो भी हमारी बात होती थी तो मैंने सबको यही बताया कि घर पर ही रहे। तो इस चीज को एक और बात मुझे बताइए कि जिस तरह से आपने इसका पालन किया जी, और सब लोग अगर इस तरह के रहे होते तो फिर ये संकट कितना कमजोर होता? काफी कमजोर हो जाता। तो आपको लग रहा है कि सिर्फ लोगों ने बाहर निकल के या इस तरह से इसको जो है बढ़ाया? इसको बढ़ाया है, अगर लोग बाग इस बात का पालन कर लेते, मोदी जी ने कहा था कि घर पर ही रहना है, तो ये समस्या से अपन अभी निपटने के कगार पर होते। तो अपने मायके में भी बताया विदिशा में जी, क्योंकि उधर थोड़ा साफ सफाई सब रहते हैं, लेकिन मेरी दादी थोड़ी पुरानी विचारों की है, उनको थोड़ी अस्थमा की प्रॉब्लम है, खांसी वगैरह चलती रहती है, तो मैंने उन लोगों को भी बताया आप इनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा फैल रही है हमारे देश में, इसलिए सुरक्षा से ही उसका बचाव कर सकते हैं। तो उन लोगों ने आपके घर रहने के फैसले का स्वागत किया या जी। सब लोगों ने स्वागत माना?
में तमाम सारी बातें कर रहे थे या तकलीफों की बात कर रहे थे, उन लोगों के लिए एक उदाहरण है कि इनसे समझा जा सकता है और इनसे सीखा जा सकता है कि जब देश संकट में हो तो आप घर रहकर भी काम कर सकते हैं। तो ये पहले वो आदमी है जो 40 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले और अपनी ज़रूरतों को सीमित किया और जो संसाधन थे उनके भरोसे ही पूरे 40 दिन निकाले। तो अगर भविष्य में इस तरह की कोई परेशानी आती है, दुनिया भर के लिए कोई संकट आता है, तो सचिन और उनकी पत्नी को इसलिए हम आपके सामने लेकर आए कि ये एक आदर्श हो सकते हैं और इनसे समझा और सीखा जा सकता है कि लॉकडाउन का पालन कैसे किया जाए और घरों में कैसे रहा जाए।